स्टूडेंट्स कल आपां पाठ मदद विच डाकिए बारे पढ़िया सी। अज अगो पढ़ना है पाठ। अच्छा पर मैनू तां तेरे बारे कुछ भी नहीं पता। बेटा की नाँ है तेरा ते तू किथे रहिंदी हैं? डाकिए ने पूछा। मेरा नाँ रूबी है, रूबिका जैन। मैं उस घर विच रहिंदी हाँ। रूबी ने गली दे आखर विच नवी बनी कोठी वाल इशारा किया। पर वो ता रोहित जैन दा घर है। जी हाँ अंकल, वो मेरे पापा हन। रूबी दी गल सुन के डाकिए ने अपना साइकिल एक बार फिर स्टैंड उपर खड़ा कर दिता। वो जांदा जांदा रुक गया। तेरे पापा घर विच हन जां किते गए हुए हन? डाकिए ने पूछया। नहीं अंकल, वो तां शामी 8 बजे आउंदे हन। उन्हां दी बदली हुण बठिंडे दी हो गई है। बदली तो भाव बच्चों कम करन दी जगह दी तब्दीली। रूबी ने जवाब दिता। मेरा ख्याल है मैनू हुण कल दोबारा आउणा पवेगा। वैसे तेरे पापा मेरी मदद कर सकते हन? किहो जिही मदद अंकल? रूबिका ने पूछया। मैं असल विच उन्हां तों इह पता पुछना सी। डाकिए ने जवाब दिता। किसदा पता अंकल? मैनू दसो, मैं तुहाडी मदद कर देंदी हाँ। रूबिका पुत्तर, इस घर विच कोई राम प्रकाश जी रहिंदे सन। अज उन्हां दी पेंशन दे कागज़ आए हन। पेंशन रिटायरमेंट तो बाद मिलने वाली महीनावार रकम। ते हुण पता लगा है कि वह इत्थे नहीं रहिंदे। डाकिए ने अपने थैले चों वह लिफाफा फिर कढ लिया। अंकल, वह जिहड़े नीतू दे दादा जी सन? रूबिका ने पूछया। कौन नीतू? मैं नीतू नूं नहीं जानदा, पर वह जो इस मकान विच किराएदार तो भाव के महीने वार पैसे दे के दूसरे दे मकान विच रहन वाले सन, श्री राम प्रकाश जी। यह चिट्ठी उन्हां दी है। हाँ अंकल, ओही ओही तां सन नीतू।